पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई? पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। ये 15 दिनों की अवधि होती है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत का धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक गहरा है और इसकी उत्पत्ति कई धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों में की गई है। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण आधार महाभारत और पुराणों में मिलता है। इसके आरंभ की एक प्रमुख कथा है जो महाभारत के वीर योद्धा और महान दानवीर कर्ण से जुड़ी है। कर्ण, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे, कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। वो जीवन भर गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को सोना, आभूषण और धन दान करते रहे। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्होंने वहां भोजन के बजाय सोने और आभूषण दिए गए। कर्ण ने इस पर प्रश्न उठाया कि उन्हें भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। इसके उत्तर में उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन काल में अन्न और जल का दान कभी किया ही नहीं था, बल्कि केवल सोने और आभूषणों का ही दान किया था। कर्ण ने इस पर यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा जाए ताकि वो अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान कर सके। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इस अवधि में कर्ण ने अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान किया। इस 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है, जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन 3 ऋणों से बंधा हुआ है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक माना जाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वो न केवल पितृ ऋण से मुक्त होता है, बल्कि उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। पितृपक्ष के पीछे का धार्मिक विश्वास ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक में चली जाती है। ये लोक यमराज के नियंत्रण में होता है और यहीं पर पितरों की आत्मा निवास करती है। पितृपक्ष के दौरान यमराज पितरों को अपने वंशजों के श्राद्ध क्रम और तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पूर्वज अपने वंशजों के घर आते हैं और उनके द्वारा किए कर्मों से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम और तर्पण अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इन अनुष्ठानों का महत्व यह है कि वे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार के सदस्यों को सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। श्राद्ध में विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें पवित्रता और नियमों का भी पालन किया जाता है। इस भोजन को कोए, गायों और ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है, जिन्हें पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। कोए को यमराज का दूत माना जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि जब कोआ अपना भोजन ग्रहण करता है तो वह पितरों तक जरूर पहुंचता है। इसी तरह गाय को भी पवित्र माना जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महाल्य भी कहा जाता है। इस दौरान परिवार के लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर या फिर अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष से हमें ये भी सिखाया जाता है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें और अपने पूर्वजों की स्मृति को संजोएं। इसके अलावा यह समय समाज के अन्य लोगों की सहायता करने और जरूरतमंदों की सेवा करने का भी होता है, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान और सेवा का महत्व अत्यधिक होता है।